एपिसोड 446 चेरी का बर्ताव। ध्रुव ने जब छलावा से कहा कि उसके पास कोई चमड़े का थैला है, उसे ढूंढो, तब छलावा को हैरानी हुई, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि उसके पास या उसके बाबा के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी, तो उसके आसपास ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है। लेकिन ध्रुव कह रहा था तो जाहिर बात है वो गलत नहीं कह सकता, खासकर तब जब उस थैले के माध्यम से ही नकारात्मक ऊर्जाओं को छलावा के आसपास फैलाया जा रहा हो। छलावा वहीं खड़ा खड़ा सोच रहा था। विकी ने जब उसे इस तरीके से सोचते हुए देखा तो बोला, सोच क्या रहा, जाकर ढूंढ, यहाँ खड़े खड़े सोचने से थोड़ी ना मिल जाएगा, अपने घर जा। छलावा हाँ में सिर हिलाकर बोला, मैं बस जा रहा हूँ। ठीक है ध्रुव, तो मैं चलता हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। ध्रुव ने कहा, ठीक है, लेकिन कोशिश करना शाम से पहले तुम्हें मिल जाए, क्योंकि दिन के टाइम में इन चीजों की ताकत कुछ कम रहती है। छलावा बोला, ठीक है। इतना कहकर वो फुर्ती से वहां से चला गया। छलावा के जाने के बाद विकी हैरानी से बोला, ये चमड़ी का थैला, इसका क्या मामला है? मेरा मतलब है, चमड़े के थैले के थ्रू छलावा के आसपास कोई नेगेटिविटी फैला रहा है, ये कैसा लॉजिक हुआ? मेरा मतलब है, जैसे जुल्मी के फूफा, जो अपने आप में ही जीता जागता इंसान है, लेकिन आसपास नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनका समझ में आता है कि वो अपने बोलने से नेगेटिव चीजें फैलाते हैं, लेकिन कोई सामान कैसे नेगेटिविटी फैला सकती है? विकी की बात पर ध्रुव अपने सिर पर हाथ रखता हुआ बोला, किसी भी सिचुएशन में तो जुल्मी को ही टारगेट करता है, क्या मिल जाता है तुझे ऐसा करके? जुल्मी चिढ़ता हुआ बोला, असुरी आनंद मिलता है इसको, हम तो हम हमारे पूरे खानदान को अपलपेटने लगा है, और असुर है ये असुर, इसको लगता है कि हमारे खानदान का मजाक बनाकर इसको सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कभी सुकून नहीं मिलेगा तुमको विकी। विकी बोला, यार तू हर बात में भावुक क्यों हो जाता है? अच्छा एक बात बता, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तेरे वो फूफा जो दारू पी के नाली में पड़े रहते हैं, उनकी इस आदत से तेरी बुआ, उनके बाल बच्चे, उनके घर में सब कितना तनाव में रहते हैं। तेरी अम्मा को भी तेरी बुआ फोन करके बोलती है तो तुम्हारे घर में भी सब तनाव में चले जाते हैं, तो ये नेगेटिविटी हुई। दूसरी बात, तेरी शादी में जब वो 11 रुपए का लिफाफा दिए थे, लेकिन शादी में मिलने वाला शर्ट पैंट का कपड़ा के लिए कितना हंगामा किया था, उस वक्त तुम्हारे घर में सब दुखी हो गए थे, सब तनाव में चले गए थे, तो नेगेटिविटी फैलाना हुआ कि नहीं हुआ? सोचकर बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो। विकी की बात पर जुल्मी सोचता हुआ बोला, नहीं ये तो तुम सही कह रहे हो, असुर वाला बात कैंसिल करो, ध्रुव विकी सही कह रहा है, हमारे फूफा नार्कोटिक है। विकी बोला, अरे गधे, इतनी बार नेगेटिव नेगेटिव बोला है सबने, तुझे सुनाई नहीं दिया? नेगेटिव होता है, नार्कोटिक नहीं होता है। जुल्मी ने कहा, हाँ वही नकारात्मक, हमारे फूफा है नकारात्मक व्यक्ति, और फूफा ही क्यों, हमारे वो झांसी वाले मौसा, वो तो उनसे भी बड़े नकारात्मक व्यक्ति हैं। हम बताते हैं कैसे, हमको तो लगता है हमारे खानदान में ऐसे बहुत से नकारात्मक व्यक्ति हैं। रुको हम सबके बारे में बताते हैं। ध्रुव उन दोनों के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, भगवान के लिए चुप हो जाओ, इंसानों की तो औकात है नहीं तुम लोगों को चुप करवाने की, भगवान ही अब कुछ कर सकते हैं। सिचुएशन देखो, क्या बात चल रही है वो देखो, और तुम लोगों की जुल्मी के खानदान वालों का कल्याण करने में लगे हुए हो। जुल्मी अभी मुद्दा तेरा खानदान नहीं है, तेरे फूफा, तेरे मौसा, तेरे खानदान वालों के बारे में हम बाद में कभी एक सभा रखेंगे, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें तू और उस पर टीका टिप्पणी देने के लिए ये विकी होगा। अलग से खाने पीने की व्यवस्था करवाएंगे हम लोग तुम दोनों के लिए, सब्र रखो लेकिन अभी नहीं। ध्रुव की बात पर विकी जुल्मी दोनों सक पका कर चुप हो गए। ध्रुव जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, तभी उसकी नजर नीचे जमीन पर बैठी तारा और अनन्या पर पड़ी, जो अनन्या के मोबाइल में लेटेस्ट कपड़ों के डिजाइन देख रही थी। दोनों इतनी उत्साहित होकर उन कपड़ों को देख रही थी कि ध्रुव चिढ़ता हुआ बोला, अब तुम दोनों क्या कर रही हो? अनन्या ने कहा, ये दोनों हमेशा की तरह स्वप्नों की तरह सजनी की लैंग्वेज में बोलूं तो लड़ रहे थे, तो हम क्या करते, हम बोर हो गए थे तो हमने सोचा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब यहाँ तो नहीं आएगा ये ब्रांड, लेकिन देखकर बात के लिए। ध्रुव गुस्से में बौखलाता हुआ बोला, बस बहुत हो गया, तुम सब के सब पागल हो, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता, मुझे रहना ही नहीं तुम लोगों के साथ। भंवरी देवी आपकी जो ये हालत है ना, इन लोगों के साथ रहकर आप दिमागी तौर पर भी मरीज हो जाएंगी। चलिए आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको किसी सुरक्षित जगह पर छोड़कर खुद कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन इन लोगों के बीच से जाना चाहता हूँ, नहीं रहा जाएगा अब इन लोगों के साथ। इन लोगों का पागलपन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कोई खानदान के बारे में चर्चाएं कर रहा है, कोई टेंशन के माहौल में बैठकर ब्रांडेड कपड़ों को विशलिस्ट कर रहा है, किसी को पड़ी ही नहीं है किसी चीज की। ध्रुव को इस तरह चिढ़ता देख अनन्या, तारा, विकी, जुल्मी एक लाइन से खड़े थे अपना सिर झुकाकर, जैसे छोटे बच्चे कोई गलती करके चुपचाप खड़े हो जाते। ध्रुव उन चारों को घूर रहा था, तभी किचन से सजनी आई हाथ में चाय का ट्रे लिए हुए और बोली, अरे ध्रुव भैया, तुम भी क्या इन लोगों के बारे में सोचकर अपना दिमाग खराब कर रहे हो,
ये लो गर्मा गर्म चाय पियो और दिमाग ठंडा करो। सजनी की बात पर जुल्मी कुछ बोलने को तो हुआ, लेकिन ध्रुव उसे उंगली दिखाता हुआ बोला, चुप, एकदम चुप, कोई एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकालेगा। ध्रुव चाय का कप लेकर चुपचाप बैठकर चाय पीने लगा और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। साथ ही साथ वो इन लोगों पर खींचता भी जा रहा था। वो चारों भी चुपचाप चाय पी रहे थे, लेकिन एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा भी रहे थे ध्रुव की हालत पर। ध्रुव चाय पीकर उन चारों को घूरता हुआ वहां से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद जुल्मी गहरी सांस लेकर बोला, जब तक ये बैठा था हमको तो सांस भी नहीं आ रही थी। हमको लग रहा था सांस भी लेंगे तो हमारा गला दबा देगा, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है ये इस तरीके से आग बबूला क्यों हो रहा था। हम ऐसा कुछ तो नहीं किए, हम लोग तो बस बातचीत ही कर रहे थे, विक्की ने कहा। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती जाती है, ऐसा सुना था। विक्की की इस बात पर अनन्या ने घूर कर उसको देखा। विक्की बोला, अरे मैं तो उसकी उम्र की बात कर रहा हूँ, तेरी बात थोड़ी कर रहा हूँ। वैसे भी प्यार में बहुत एज गैप भी होते हैं, तू उसे दिल पर मत ले, तू तो स्वीट 16 ही है। इन चारों की नोक झोंक, ध्रुव का नाराज होना, ये सब कुछ देखकर भंवरी देवी बस मुस्कुरा रही थी। अपने मन में बोली, सालों बीत गए, घर परिवार छूटे, अपने सामने अपने बच्चों को खत्म होता देखा, भूली गई थी कि परिवार बच्चों का बचपना क्या होता है। इन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बार फिर अपने बच्चों को अपने सामने हंसता खेलता देख रही हूँ। बस ईश्वर इन्हें बुरी नजर से बचाए और इतनी शक्ति दे कि जिस मुसीबत का सामना करने ये चले हैं उस पर सफलता पाए। एक तरफ जहाँ घर पर इन लोगों की आपस में नोकझोंक चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ ध्रुव घर से बाहर निकल चुका था। बगीचे में खड़े होकर लंबी सांस लेता हुआ बोला, मुझे छलावा की मदद करनी होगी, मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर उसे वो थैला मिला भी है या नहीं। मुझे छलावा के घर जाना होगा, इनमें से किसी को मैं बताकर नहीं निकल सकता वरना मुझे जाने नहीं देंगे, खास करके विक्की तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि मैं उसकी फिक्र समझता हूँ, लेकिन मेरा अकेले जाना ही सही होगा। सुमेर जिस तरीके से छलावा पर नाराज होगा, उसके बाद अगर उसने हम में से किसी को भी देख लिया छलावा के घर की तरफ जाते हुए, हो सकता है छलावा के लिए मुसीबत बढ़ जाए। इसलिए मैं चुपचाप चुपके से अकेले जाऊंगा ताकि किसी का ध्यान मुझ पर ना जाए। ध्रुव ने पीछे पलटकर देखा, लेकिन कोई भी उसे नजर नहीं आया, सब घर के भीतर ही थे। ध्रुव को ये मौका सही लगा, इससे पहले कि कोई उसे ढूंढने बाहर आता, ध्रुव छलावा के घर के लिए चला गया। दूसरी तरफ छलावा अपने नए वाले घर में हर एक कोने कोने को छान रहा था, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिल रहा था। जब छलावा के हाथ कुछ नहीं लगा, तब वो हैरानी से बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, ध्रुव ने कहा था कि वो थैला मेरे घर में ही कहीं होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक तो यहीं रह रहा था, उस थैले को यहीं होना चाहिए था, अपने पुराने घर में तो मैं अभी अभी रहने गया हूँ। एक मिनट, ध्रुव ने कहा था मेरे सामान में भी, मैं अपना जरूरत का सामान वापस वहीं लेकर गया हूँ, मुझे अपने सामान को चलकर देखना चाहिए कहीं उनमें तो कुछ नहीं। लेकिन उनमें भी कैसे हो सकता है, वो सामान मेरे रोज के इस्तेमाल के हैं, मैं उन्हें रोज इस्तेमाल करता हूँ, मुझे उसमें कभी कुछ ऐसा नहीं दिखा। छलावा सोचता हुआ वापस अपने पुराने घर की तरफ चल पड़ा। वो अपने पुराने घर पहुंचा ही था और अपने सामान को देखना शुरू ही किया था कि दरवाजे पर चेरी की आवाज आई। क्या कर रहे हो तुम? चेरी को अचानक देखकर छलावा चौंक गया और बोला, तुम यहाँ कैसे? चेरी भीतर आई और बोली, मैं अपने भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट तो लूंगी नहीं ना, वैसे तुम परेशान लग रहे हो, बहुत घबराए हुए भी लग रहे हो, और इतना पसीना क्यों आ रहा है तुम्हें, जैसे कितनी मेहनत करके आ रहे हो, आखिर हो क्या रहा है? छलावा ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मैं बस अपना सामान जमा रहा था इसलिए थोड़ा सा थक गया। चेरी ने कहा, मुझे तो लगा कि अब तक तुम अपने नए घर में लौट गए होगे, मैं तो बस यूं ही यहाँ देखने चली आई, अगर तुम मुझे यहाँ नहीं मिलते तो मैं वहीं जाती, लेकिन तुम तो अभी भी यहीं हो। छलावा बोला, हाँ मैं जाने के लिए सामान जमा रहा था, मेरा सामान काफी फैल गया था ना इसलिए। वैसे तुम सिर्फ मुझसे मिलने ही आई हो या कोई और बात है? चेरी बोली, सुमेर बहुत नाराज है तुमसे उस आदमी के गायब होने की वजह से, मैं बस तुम्हें यही कहने आई थी कि जितनी जल्दी हो सके उस आदमी को ढूंढो इससे पहले कि सुमेर बेकाबू हो जाए। छलावा बोला, तुम सुमेर से इतना क्यों डरती हो, और वो इतना खास क्यों है? उसने बस हमारी एक मदद की है, उसके बदले में हमारी जिंदगी उसकी गुलाम नहीं बन जाती, उसके बदले में वो चाहता है कि उसे काले साम्राज्य में एक पद मिल जाए, जो उसे मिल जाएगा एक बार माँ की सारी शक्तियां वापस आ जाए, उन्हें उनका ओहदा वापस मिल जाएगा, तो वो ठकुराइन को उनकी शक्तियां और सुमेर को जो वो चाहता है वो जरूर दिलवा देंगी, उसके लिए हमें सुमेर की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। चेरी बोली, बात गुलामी की नहीं है छलावा, सुमेर बता रहा था वो आदमी माँ के श्राप से मुक्त हुए बिना ही उन्हें उनकी तमाम शक्तियों को लौटाने के बारे में जानता है, माँ अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए लगातार लगी हुई है लेकिन कुछ कमी रह जा रही है, सुमेर के मुताबिक वो इंसान इसमें मददगार साबित हो सकता है। छलावा हैरानी से बोला,
और तुम्हें सुमेर जैसे इंसान पर भरोसा है जिसे कि पूरी तरीके से इंसान भी नहीं कह सकते, तुम्हें उस पर इतना भरोसा क्यों है? छलावा को इस तरीके से बार बार शक और सवाल करते देख चेरी के मुंह से एकदम से निकला, तुम्हें हो क्या गया है? तुम सवाल कैसे करने लगे हो? मुझे हैरानी हो रही है तुम्हें इस तरीके से सवाल पूछता देखकर। तुम्हारा काम सवाल पूछना नहीं है छलावा, तुम्हारा काम है जिस तरीके से हम तुम्हें बताए तुम्हें वैसे चलना। चेरी की बात सुनकर छलावा हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे उसकी बातों को या तो वो समझ नहीं पाया हो या उसकी बातों में छुपे हुए गहरे मतलब को भी समझ गया हो। चेरी तुरंत अपनी बात को संभालती हुई बोली, मेरा मतलब है कि तुम अभी अभी इन सब चीजों में इन्वॉल्व हुए हो, मैं तुम्हें इन सब चीजों में लेकर आई हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें सारी चीजें अच्छी तरीके से समझाऊं। अभी तुम सीख रहे हो, मानती हूँ तुम्हारे पास कुछ शक्तियां हैं, कुछ अभी भी जागृत होनी बाकी है, लेकिन तुम्हारा ये लर्निंग फेज है। सीखने के दौरान ज्यादा सवाल जवाब या शक करना सही नहीं होता, ऐसे में बहुत कुछ ऐसा रह जाएगा जो आगे तुम्हारे लिए जरूरी होगा। तुम्हें अपने दम पर अपनी एक पहचान बनानी है जिसमें मैं मदद करना चाहती हूँ, सुमेर भी मदद करना चाहता है। एनीवे, अभी हम इस बारे में बात नहीं करते, मुझे तुम पहले से ही परेशान लग रहे हो। मैं तो बस ये कह रही थी कि उस आदमी को ढूंढ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तुम बैठो, रेस्ट करो, मैं तुम्हारा सामान अरेंज कर देती हूँ। इतना कहकर चेरी जल्दी जल्दी छलावा का सामान समेटने लगी। छलावा बस एकटक उसको देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि इसके दोहरे बर्ताव के पीछे वजह क्या है। वहीं चेरी टॉपिक को चेंज करने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो अपनी लाइफ के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में, अपनी एक नॉर्मल जिंदगी जो वो दुनिया के सामने जी रही थी उसके बारे में बताना शुरू कर चुकी थी, जिसमें छलावा को रत्ती भर भी दिलचस्पी नहीं थी। छलावा चाहता था चेरी यहाँ से निकले और वो अपने काम की चीज को ढूंढ सके। तभी छलावा का सामान जमाते हुए चेरी के हाथ में एक नीले रंग के कपड़े का थैला आया जो छलावा के बाबा का था। वो जब भी कहीं आते जाते थे उसी थैले का इस्तेमाल करते थे। चेरी उस थैले को ध्यान से देखने लगी, कभी वो थैले को देखती कभी छलावा को, और एकदम से मुस्कुरा कर बोली, ये तुम्हारे बाबा की आखिरी निशानी है ना, जिसे तुम उसी तरीके से इस्तेमाल करते हो जैसे तुम्हारे बाबा, तुम इसे हमेशा अपने साथ रखते हो ना? छलावा ने बस हाँ में सिर हिलाया। चेरी बोली, अच्छा करते हो, ध्यान रखना इसका, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना इसे, अपने पास रखना इसे, तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे आसपास है। अचानक बाबा का जिक्र छलावा को इस पूरी बातचीत में कहीं भी फिट होता हुआ महसूस नहीं हुआ। छलावा उठकर आया और उसने चेरी के हाथ से थैले को ले लिया और बोला, तुम जाओ, मैं अपना सामान खुद जमा लूंगा, वैसे भी थोड़ा सा ही है। चेरी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है। इतना कहकर वो वहां से चली गई, लेकिन दरवाजे पर जाती हुई पीछे पलटकर उसने छलावा के हाथ में पकड़े थैले को गौर से देखा और फिर पलटकर चली गई। एपिसोड 447, सुमेर ने पकड़ी चेरी की चोरी। चेरी ने छलावा के हाथ में पकड़े थैले को गौर से देखा और फिर पलटकर चली गई। चेरी का बर्ताव छलावा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाहर निकलते ही एक बार फिर छलावा जैसे ही अपने सामान को देखना शुरू किया, इतने में उसके दरवाजे पर एक बार फिर दस्तक हुई। छलावा को लगा कि चेरी वापस तो नहीं आ गई, और छलावा अपनी आंख बंद करते हुए गुस्से में बोला, ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? फिर अपने चेहरे पर सामान्य भाव लाते हुए जैसे ही पीछे पलटा, उसने दरवाजे पर देखा ध्रुव खड़ा था। ध्रुव को देखकर छलावा को राहत महसूस हुई। वो बोला, ध्रुव तुम यहाँ, क्या बात है? अभी तो तुम तुम्हारे घर पर मिले थे, वैसे तुमने जो बताया था उसे ही ढूंढ रहा हूँ। दरअसल मैं पहले अपने नए वाले घर पर गया था, लेकिन वहाँ मुझे कुछ मिला नहीं, और फिर अब मैं यहाँ अपने सामान को ढूंढ रहा था। आओ, तुम अंदर आओ, ध्रुव ने कहा। मुझे लगा कि शायद तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो सकती है, इसलिए मैं आ गया, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि चेरी तुम्हारे घर के भीतर थी, इसलिए मैं अंदर नहीं आया। मैं काफी देर से बाहर इंतजार कर रहा था उसके लौटने का। वैसे वो किस लिए आई थी? मेरा मतलब है वो तुम्हारी बहन है, तुम लोगों की आपस की भी बात हो सकती है, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, छलावा ने कहा। पता नहीं आजकल वो क्यों आती है, क्या बोलती है, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अभी वो सिर्फ इसलिए आई थी कि मैं पूरन जी को ढूंढ लूं, क्योंकि सुमेर के हिसाब से वो बहुत जरूरी है और सुमेर नाराज है मुझसे, चेरी का कभी कभी समझ नहीं आता, ध्रुव बोला। कोई बात नहीं, सबका सब कुछ समझ में आ जाएगा वक्त के साथ, थोड़ा सा वक्त दे, चल आजा हम उस थैली को ढूंढते हैं, छलावा बोला। मुझे नहीं लगता ध्रुव ऐसी कोई चीज है। देखो मैं ये नहीं कहता कि तुमने जो कहा वो गलत है या तुमसे कोई गलती हुई है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई और चीज हो, एक बार फिर से कोशिश करो ना, क्योंकि चमड़े का थैला तो मेरी जानकारी में नहीं है, वैसे अगर तुम चाहो तो एक बार खुद सब कुछ देख सकते हो। इतना कहते हुए छलावा अपने हाथ में पकड़े हुए थैले को लेकर एक तरफ हो गया और ध्रुव उसके पूरे घर को ध्यान से देखने लगा।
एक एक चीज को हटाकर भी देखने लगा। सबसे आखिर में उसके सामान को देखने के बाद जब ध्रुव को कुछ नहीं मिला तब उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, वो होना चाहिए। छलावा बोला, आखिर उस थैले में ऐसा क्या है ये तो बताओ। ध्रुव चारों तरफ देखता हुआ बोला, ये तो थैला मिलते ही पता चलेगा। तभी उसकी नजर छलावा के हाथ पर गई और उसने कहा, ये क्या है। छलावा ने कहा, ये मेरे बाबा का है, बाबा कहीं भी आते जाते थे तो अपनी जरूरत की चीजें इसी में लेकर जाते थे। उनके जाने के बाद अब मैं ये उनकी निशानी के तौर पर इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ये चमड़े का नहीं है, ये कपड़े का है। देख रहे हो उसके ऊपर ये कपड़ा और ये कारीगरी की गई है। ध्रुव ने छलावा के हाथ से उस थैले को ले लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। ध्रुव बोला, यही तो है वो जिसे हम ढूंढ रहे हैं। छलावा बोला, तुम चमड़े की थैली की बात कर रहे थे, ये कपड़े का है ध्रुव, ध्यान से देखो। ध्रुव ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसकी नजर कोने में सब्जी की टोकरी में रखे हुए चाकू पर गई। ध्रुव गया और चाकू उठाकर ले आया और उस थैले के बेल्ट पर लगे हुए कपड़े को काटने लगा। छलावा बोला, क्या कर रहे हो, मैंने बोला ना ये मेरे बाबा का था, ये मेरे लिए बहुत कीमती है, ऐसा मत करो। तब तक ध्रुव ने उसके कोने से जरा सा कपड़ा काट दिया था और छलावा को दिखाता हुआ बोला, अब बताओ ये किसका बना थैला है। छलावा हैरान रह गया, ध्रुव सही कह रहा था, वो थैला चमड़े का था। चमड़े के थैले के ऊपर कपड़ा चढ़ाया हुआ था इतनी बारीकी से कि कोई कह नहीं सकता था कि वो चमड़े का हो सकता है। छलावा हैरानी से ध्रुव की तरफ देखने लगा। ध्रुव बोला, ये तुम्हारे बाबा का नहीं हो सकता, इसे बदला गया है, जिसने भी तुम्हारे साथ तंत्र विद्या की है उसने बहुत ही बारीकी से तुम्हारी हर एक चीज पर नजर रखी है, उसके बाद इस चीज को फाइनल किया है, क्योंकि तुम इस चीज को हमेशा अपने साथ रखते हो और तुम्हारा जुड़ाव इससे ज्यादा है। छलावा बोला, हैरानी की बात है कि ये बिल्कुल उसी तरीके का है, मुझे जरा सा भी शक नहीं हुआ, कहीं से कोई फर्क नहीं है। ध्रुव मुस्कुराकर बोला, अगर कोई फर्क होता तो तुम्हें पता नहीं चल जाता, अगर किसी ने इतनी शातिर तरीके से प्लानिंग की है तो जाहिर बात है उसने हर एक बारीकी का ध्यान रखा होगा। रही बात इस थैले की, तो तुम्हारे बाबा ने आसपास के किसी मार्केट से लिया होगा, तो इस तरीके का बैग आसानी से बनवाया जा सकता है। छलावा ने कहा, तो अब इसका क्या मतलब है, किस तरीके से क्या करना है बताओगे। ध्रुव ने सबसे पहले उस थैले में छलावा की जो थोड़ी बहुत चीजें थी उसे निकाल कर बाहर किया और उसी चाकू की मदद से उस थैले को काटने लगा। चमड़े का मजबूत थैला जिसे काटने में वक्त तो लगा, लेकिन कुछ देर में ही वो थैला कट गया और ध्रुव ने देखा उसके बीच में कपड़े के माध्यम से एक छोटी सी पोटली छुपाई गई थी, जो इतनी बारीकी से छुपाई गई थी कि पता भी नहीं चल रहा था कि थैले के बीच में ऐसा कुछ हो सकता है। और उस पोटली को छलावा को दिखाता हुआ बोला, ये है वो सामान, इसे खोलकर देखो। छलावा ने पोटली को खोलकर देखा, उसमें तकरीबन 2 इंच बड़ा एक अजीब सा पुतला बनाया हुआ था, काले कपड़े का वो पुतला जिसकी आंख नाक हर चीज अजीब दिख रही थी। नॉर्मल तौर पर जो काले जादू में पुतले का इस्तेमाल होता है वो उससे बिल्कुल ही अलग था। छलावा बोला, ये किस तरीके का पुतला है। ध्रुव ने कहा, ये जादू टोने तंत्र विद्या सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं होती, देश विदेश में हर जगह होती है, हर जगह उसको करने का तरीका और उसका इफेक्ट अलग अलग होता है। ये जो तुम देख रहे हो इसे बुगाटी डॉल कहते हैं, इसका साइज छोटा है, अपने हिसाब से उसके साइज में अंतर किया जा सकता है, साइज से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसके भीतर तुम्हारे बाल, तुम्हारा पसीना या तुम्हारे नाखून कुछ डालकर इसे तैयार किया गया है और इसे तंत्र के माध्यम से तुम्हारे साथ बांधा गया है, जिससे कि तुम्हारे मन और तुम्हारे विचारों में हमेशा नकारात्मकता छाई रहेगी। ये अपने आप में नकारात्मकता का प्रतीक है, जिसके अंश के साथ इसे बनाया जाता है, ये सिर्फ उसके लिए प्रभावी होता है। छलावा बोला, तो इसका मतलब अब सब ठीक हो गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुव इनकार करता हुआ बोला, अभी नहीं, मेरे साथ था। ध्रुव छलावा को लेकर उसके घर से बाहर निकला और कुछ दूरी पर जाकर जमीन में मिट्टी खोदकर उस पुतले को डालकर उसमें आग लगाता हुआ बोला, इसका अंत अब हुआ है। छलावा बोला, मैं वही जानना चाहता हूँ कि इसके अंत के साथ अब सब ठीक है ना। ध्रुव ने कहा, नहीं छलावा, ये तो एक नकारात्मकता फैलाने का माध्यम था, जिसके जरिए तुम्हारे मन और विचारों को अशुद्ध रखा जा सके, जिसके जरिए तुम चाहकर भी कुछ अच्छा ना सोच पाओ, सही गलत सोच ना पाओ, जैसे कि तुम नहीं सोच पा रहे थे। इसके जाने से सिर्फ इतना होगा कि तुम खुलकर सोच पाओगे, अपने आसपास नकारात्मकता महसूस नहीं होगी, लेकिन तुम्हें जिसने भी वश में किया है, आंतरिक वशीकरण तुम्हारा जिसने किया है उसका टूटना जरूरी है, तभी तुम उसकी माया से मुक्त हो पाओगे, वरना वो जब चाहे तुम्हें कठपुतली की तरह नचा सकता है। छलावा बोला, तो हमने इस चीज पर ध्यान क्यों दिया, जब ये सिर्फ इसलिए है कि मेरे आसपास का वातावरण नकारात्मक ना रहे, वो रहे या ना रहे उसे क्या फर्क पड़ता है। ध्रुव बोला, बिल्कुल फर्क पड़ता है, और सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके माध्यम से जिसने भी तुम पर ये काला जादू किया है वो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे आसपास के माहौल को भी बहुत बारीकी से समझ सकता था, वो ये जान सकता था कहीं भी बैठे बैठे कि तुम्हारे आसपास क्या बदलाव हो रहे हैं,
और अभी उसे ये पता चल जाएगा कि ये जो है वो नष्ट हो चुका है या तुम्हारे आसपास नहीं है। इसके लिए तुम्हें ये करना है कि इस थैले को भी यहाँ से कहीं दूर दफना दो और इंतजार करो कि इस थैले के लिए कौन परेशान होता है, क्योंकि जाहिर बात है तुम्हारे बाबा का थैला, तुम्हारा सामान, उसके लिए कोई और क्यों परेशान होगा। वैसे तो हमें चेरी पर पूरा शक है और जिस तरीके से तुम आज बता रहे थे उसके बाद तो शक और बढ़ ही जाता है, लेकिन एक बार पक्का कर लेंगे उसके बाद हम चेरी को मजबूर करेंगे अपना अशुद्ध तंत्र वापस लेने के लिए। एक तरफ जहां ध्रुव और छलावा को इंतजार था उस इंसान का जो उस थैले को ढूंढता हुआ दिखे, वहीं दूसरी तरफ हवेली में रात के वक्त सुमेर पूरी हवेली देख चुका था, उसे चेरी कहीं नजर नहीं आई। सुमेर ने एक नौकर से पूछा भी कि चेरी कहाँ है, लेकिन उसने बताया कि शाम के बाद से किसी ने चेरी को देखा ही नहीं है, वो कहीं बाहर गई थी लेकिन उसके बाद लौट के भी आई हो तो पता नहीं। सुमेर सोचने लगा कि आखिर चेरी कहाँ जा सकती है, आखिर वो बाहर गई थी तो सिर्फ छलावा से मिलने ही गई होगी। हो सकता है सुमेर ने जो बात कही थी उसे छलावा तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उसके बाद इतने वक्त तक वो छलावा के वहां नहीं रह सकती थी। सुमेर बरामदे में खड़ा चेरी के बारे में सोच ही रहा था कि रसोई में काम करने वाली एक औरत घबराई हुई सी भागती हुई बाहर की तरफ से निकली और सुमेर से टकराते टकराते बची। सुमेर उसे घूरता हुआ बोला, क्या बात है, यहाँ इतनी भागदौड़ क्यों हो रही है? ये मेरी हवेली है, कोई खेल का मैदान नहीं। उस औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ कीजिएगा मालिक, मैंने आपको देखा नहीं, वो हवेली में भूत है। ये सुनकर सुमेर गुस्से से बोला, क्या बेवकूफों की तरह बातें कर रही हो, हवेली में भूत है? उस औरत ने कहा, नहीं मालिक, मेरा यकीन करिए। सुमेर बोला, अच्छा जरा मैं भी देखूं भूत कहाँ है, मुझे भी दिखा कर लाओ, मैंने भी बचपन से आज तक भूत नहीं देखा है और बहुत शौक है मुझे भूत देखने का, चलो बताओ कहाँ है भूत। उस औरत ने कांपते हुए ऊपर की तरफ इशारा किया और बोली, वो ऊपर छत पर है भूत। सुमेर उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर बोला, छत पर भूत है? तुम क्या कर रही थी छत पर कि भूत आकर तुम्हें दर्शन देकर गया? उस औरत ने अपनी नजरें नीचे करते हुए कहा, वो मालिक मैंने रसोई का कुछ सामान छत पर सूखने के लिए डाला था जिसे लाना मैं भूल गई, अभी मैं घर जा रही थी तो अचानक याद आया, मैं वही सामान लेने ऊपर की तरफ बढ़ी लेकिन मैं सीढ़ी पर ही थी कि मुझे छत पर से अजीब सी आवाज सुनाई थी, हल्की हल्की सी रोशनी भी आ रही थी, मैं बहुत घबरा गई और मैं भाग गई। उसकी बात पर सुमेर हैरान रह गया, अपने मन में बोला, ये कैसी बात कर रही है, छत पर कोई तो जरूर है लेकिन इस वक्त कौन। फिर सुमेर ने उस औरत से कहा, ठीक है तुम जाओ, मैं देखता हूँ छत पर कौन है, लेकिन हाँ भूत नहीं है ये पक्की बात है, और खबरदार जो इस तरह की बात दोबारा की तो, जाओ यहाँ से। वो औरत चुपचाप वहां से चली गई, सुमेर के कदम भी छत की तरफ बढ़े। सीढ़ियों से होते हुए जब वो ऊपर पहुंचा तो जैसा उस औरत ने बताया था वाकई में आवाज आ रही थी और हल्की हल्की रोशनी भी दिख रही थी, लेकिन छत का दरवाजा बंद था इस वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। सुमेर दरवाजे के पास गया और उसने दरवाजा नॉक किया, आवाज आनी बंद हो गई। ये देखकर सुमेर को हैरानी हुई। सुमेर जोर जोर से भारी कदम भरता हुआ 3-4 सीढ़ी उतरा और रुक गया। थोड़ी देर बाद फिर से आवाज आनी शुरू हुई। सुमेर फिर वापस आया और उसने दरवाजा नॉक किया और फिर से आवाज बंद हो गई। मतलब जाहिर सी बात थी, ये जो कोई भी था वो कुछ ऐसा कर रहा था जिसके बारे में वो किसी को बताना नहीं चाहता था। सुमेर कुछ देर तक छत के दरवाजे को घूरता रहा और अपने मन में बोला, कौन हो सकता है यहाँ, कहीं चेरी तो नहीं, लेकिन वो इस तरीके से छत पर इस वक्त क्या कर रही होगी। सुमेर चुपचाप वापस आया, उसने महादेव को बुलाया और बोला, महादेव हमारे पास जो बड़ी वाली लोहे की सीढ़ी है वो लेकर आओ और उसे पीछे की तरफ से छत पर लगाओ। महादेव बोला, छत पर जाने के लिए तो सीढ़ी है तो सही। सुमेर बोला, मैंने जितना बोला है उतना करो। महादेव चुपचाप चला गया और वो तुरंत सीढ़ी को लगाकर वापस आया। सुमेर से बोला, हो गया मालिक। सुमेर ने कहा, ध्यान रखना छत की तरफ कोई न जाए। इतना कहकर सुमेर पीछे की तरफ चला गया जहां महादेव ने सीढ़ी लगाई थी। सीढ़ी से होता हुआ सुमेर ऊपर की तरफ गया और रेलिंग के पास से झांक कर देखने लगा। सुमेर का अंदाजा बिल्कुल सही था, छत पर कोई और नहीं बल्कि चेरी थी और वो आग जलाकर कोई तांत्रिक क्रिया कर रही थी। सुमेर तुरंत रेलिंग से कूदकर छत पर गया और चेरी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा चेरी की आंखें बंद थी और वो इतनी मगन थी कि उसे होश भी नहीं था कि कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया है। एपिसोड 448, मैं बनूंगी बंजारन। सुमेर ने देखा चेरी ने अपने गले में अलग अलग पत्थरों की माला पहनी हुई है, गले पर सफेद चंदन जैसा कुछ लगा रखा है, हाथों में भी उसी पत्थर की मालाओं की तरह ब्रेसलेट पहनकर वो अलग अलग आकृतियों के साथ कुछ कर रही थी जिनके बीच में आग जल रही थी और एक सबसे अजीब चीज,
वहां पर इतने छोटे छोटे मानव की खोपड़ी रखी थी जितने छोटे इंसान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ देर खड़े रहने के बाद सुमेर ने ऊंची आवाज में कहा, ये तुम क्या कर रही हो चेरी? सुमेर की आवाज सुनते ही चेरी की आंखें खुली और वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। चेरी एक झटके में उठकर खड़ी हो गई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों आए हो तुम और कैसे आए? मैंने तो दरवाजा बंद किया था। सुमेर बोला, मेरा घर है, मैं कभी भी कहीं भी हो सकता हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या कर रही हो? चेरी बोली, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है और जिससे तुम्हारा लेना देना नहीं है उसके बारे में मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अब जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सुमेर बोला, बिना जाने के तुम ये कर क्या रही हो? मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। ये भी तो हो सकता है कि तुम ये सब कुछ जो भी कर रही हो वो मेरा या मेरे परिवार के अहित के लिए कर रही हो, मेरे ही घर में रहकर। इसलिए मेरा जानना जरूरी है कि ये सब कुछ क्या है, वरना। चेरी बोली, देखो सुमेर, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उससे तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं तुम लोगों के अच्छे या बुरे के लिए कुछ कर रही हूँ। ये मेरा मैटर है। अब हो गया क्लियर कि तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? सुमेर ने कहा, अगर जैसा कि तुम कह रही हो इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं है तो तुम ये मुझे बताकर भी कर सकती थी, और छत पर इस वक्त अकेले आकर इस तरह से चीजें करना, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। चेरी ने कहा, देखो सुमेर, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं एकांत में इस काम को कर सकूँ। नीचे हर वक्त कहीं ना कहीं कोई ना कोई रहता ही है, और इसके लिए मुझे आग भी जलाना था, इसलिए मैं छत पर आ गई। ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहते हो ये किसके लिए है, क्यों है, तो मैं तुम्हें शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये सब कुछ मैं छलावा के लिए कर रही हूँ। छलावा का नाम सुनकर सुमेर चौंक गया और बोला, छलावा के लिए तुम ये तांत्रिक क्रियाएं कर रही हो? क्यों, इससे छलावा को कोई नई शक्ति मिलेगी? चेरी बोली, नहीं, इससे छलावा को कोई शक्ति नहीं मिलेगी, बल्कि इससे छलावा मेरे काबू में रहेगा। चेरी समझ गई थी कि वो जब तक सुमेर को सारी बातें नहीं बताएगी सुमेर शांत नहीं बैठने वाला है। इसलिए उसने कहा, देखो सुमेर, मैं छलावा को अपनी तरफ मिलाना चाहती थी, लेकिन छलावा किसी भी हालत में इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, खासकर वो ध्रुव और बाकी सबके साथ रहकर तो बिल्कुल भी नहीं। और मेरे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं छलावा के ऊपर ये क्रिया करूं और छलावा के मन को कंट्रोल में करूं। ये सुनकर सुमेर हैरान रह गया और फिर एकदम से हंसता हुआ बोला, कभी कभी मुझे लगता था कि मैं दुनिया में सबसे बड़ा शातिर और घटिया इंसान हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी चार कदम आगे निकली। ये सुनकर चेरी के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई और सुमेर की तरफ अपने कदम बढ़ाती हुई बोली, जाहिर बात है, तभी तुम जैसा घटिया इंसान मुझे पसंद आया। चेरी की इस बात पर सुमेर ठहाके लगाकर हंसने लगा। सुमेर के साथ चेरी भी हंसने लगी और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। सुमेर बोला, मुझे तो यकीन ही नहीं होता तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, तुम मुझे बता सकती थी बेबी। चेरी सुमेर को प्यार से निहारते हुए बोली, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम्हारे लिए सरप्राइज कैसे रहता? ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, इनफैक्ट हमारे लिए कर रही हूँ। उन लोगों को लगता है कि मैं अपनी सो कॉल्ड माँ, सो कॉल्ड भाई के लिए मरी जा रही हूँ, फिक्र में बेचारे। कभी कभी मुझे यकीन नहीं होता कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। इंसानों में ही नहीं, बेवकूफ हर जगह होते हैं, चाहे वो किसी भी दुनिया से ताल्लुक रखते हो। सुमेर चेरी के चेहरे पर बिखरे उसके बालों की लटों को सवारता हुआ बोला, तभी तो हम कामयाब होते हैं। अगर बेवकूफ नहीं रहेंगे तो हमारे जैसे अकलमंद की वैल्यू क्या रह जाएगी? चेरी ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि ये सब कुछ मैंने तुम्हें बिना बताए किया? सुमेर इनकार करता हुआ बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो हैरान हूँ कि ये सब तुमने किया कब, मतलब तुमने इन सब चीजों में ध्यान लगाना कब शुरू किया, ये तुमने सीखा कहाँ से? चेरी ने कहा, जब तुम मुझे छोड़कर इंडिया आ गए थे तो मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया, बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन जब मुझे लगा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं पा सकती हूँ तब मैंने ये ब्लैक मैजिक सीखा। ये अफ्रीका का है। अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसे आदिवासी हैं जो इंसानों से बिल्कुल दूर है और उनकी दुनिया बिल्कुल ही मिस्टीरियस है, ब्लैक मैजिक से भरी हुई उनकी दुनिया है। उनके पास बहुत से ऐसे पावरफुल ब्लैक मैजिक है जिनके बारे में कुछ लोग जानते हैं, कुछ नहीं भी जानते हैं, लेकिन उन मैजिक्स का सिर्फ कुछ परसेंट ही वर्ल्ड के सामने है। अगर मैं 100% के अकॉर्डिंग बात करूं तो उन लोगों के मैजिक का सिर्फ 10% दुनिया जानती है, बाकी 90% हिडन है, और वो मैजिक इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो कहीं से किया जाए तो संसार के किसी भी कोने में इंसान रहे उसे इफेक्ट कर सकता है। सुमेर उन सारी चीजों को ध्यान से देखता हुआ बोला, इस क्रिया को क्या कहते हैं? चेरी बोली, इसे बुगाटी मैजिक कहते हैं,
जो छोटे छोटे इंसानी खोपड़ी देख रहे हो, ये मैं वहीं से लेकर आई थी। ये अपने आप में काला जादू का हब है। इनमें इतना पावर है कि वो किसी भी बुरी ताकत को आकर्षित कर सकते हैं। इनसे कोई भी तंत्र किया जाए तो वो कभी फेल नहीं होता। मैंने छलावा के ऊपर बुगाटी मैजिक किया, जिसमें एक बुगाटी डॉल को प्रेजेंट किया जाता है और उसे जिस इंसान के ऊपर यूज करना है उसके आसपास रखा जाता है, ताकि उसके आसपास नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होती रहे और वो जादू करने वाले के कंट्रोल में रहे। और जैसा कि तुम जानते हो, छलावा वही करता जा रहा है जो मैं चाहती हूँ, जो हम चाहते हैं। सुमेर बोला, तुम ये सब काफी वक्त से कर रही थी और तुमने मुझे बताया नहीं, लेकिन इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। तुमने ये जो कुछ भी किया उसके बाद छलावा पूरी तरीके से मेरे कंट्रोल में रहा है। मैंने उससे जो जो चाहा है वो करवाया, लेकिन आज ये सब क्यों कर रही हो? चेरी ने कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है छलावा के ऊपर जादू का असर कम हो रहा है। छलावा मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। वो शक करने लगा है, सवाल करने लगा है। उसकी आंखों में अलग सी फीलिंग दिखती है, जैसे वो इन सब चीजों के खिलाफ हो रहा है। उसके भीतर एक बार फिर से अच्छाई पनप रही है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें अगर अपने आप को पावरफुल बनाना है तो छलावा जरूरी है। तुम तो जानते ही हो छलावा के भीतर कितनी शक्तियां हैं। एक बार वो सारी शक्तियां मैं खुद में ले लूं, फिर उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि उसके बाद छलावा एक मामूली इंसान होगा जिसका होना या ना होना एक बराबर है। और जब तुम बंजारन के साथ आमना सामना करोगे, उस वक्त वो शक्तियां हमारी सबसे ज्यादा काम आएंगी। सुबेर ने कहा, तुम्हें पूरा यकीन है चेरी, हमने जैसा प्लान किया है वैसा ही होगा? चेरी बोली, बिल्कुल ऐसा ही होगा। छलावा की शक्तियां पाने के बाद मैं बंजारन की जगह ले लूंगी और तुम पूरे काले साम्राज्य के प्रतिनिधि बनोगे, और मैं तुम्हारी पार्टनर कम लाइफ पार्टनर। इतना कहने के बाद दोनों एक बार फिर से हंसने लगे। ऐसी शैतानी योजना को ये लोग जन्म दे रहे थे जिसके बारे में दूर दूर तक कोई सोच भी नहीं सकता था। सुमेर और चेरी ने इतने शातिर तरीके से इस जाल को बनाया था कि बंजारन, माई, ठकुराइन, छलावा दूर दूर तक नहीं सोच सकते थे। जो चेरी और सुमेर एक दूसरे से नफरत का, एक दूसरे को पसंद नहीं करने का दिखावा कर रहे थे, जिस सुमेर ने चेरी को ठुकराया था, उसका यहाँ से जाना, ये सब कुछ उन दोनों के प्लान का हिस्सा था। चेरी को ना तो बंजारन की कोई फिक्र थी और ना ही छलावा की। उसे फिक्र थी तो सिर्फ अपनी और सुमेर की। चेरी और सुमेर एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे की आंखों में देख ही रहे थे कि वहां जल रही आग में एक विस्फोट हुआ और उस आवाज पर दोनों चौंक कर आग की तरफ देखने लगे। सुमेर बोला, ये किस तरह का विस्फोट था? चेरी घबराते हुए बोली, ओ शिट, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, सब गड़बड़ हो गया, मुझे जल्द से जल्द वहां जाना होगा। सुमेर बोला, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। चेरी ने कहा, वो बुगाटी डॉल जो छलावा के पास मैंने छोड़ी थी, उसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है, उसको खत्म कर दिया गया है। इसका मतलब छलावा के ऊपर मेरा मैजिक कम होता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा सुमेर, मुझे तुरंत छलावा से मिलना होगा। सुमेर बोला, तुम जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। चेरी ने कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये आग बुझने ना पाए। सुमेर ने हाँ में सिर हिलाया और चेरी फुर्ती से वहां से निकली। दूसरी तरफ छलावा के घर पर अभी भी ध्रुव मौजूद था। वो छलावा से बातें कर रहा था और उसको काफी कुछ समझा भी रहा था। इतने वक्त बाद छलावा को अपना आपा बहुत हल्का महसूस हो रहा था। उसको कोई खुशी महसूस हो रही थी जो उसने काफी वक्त से महसूस नहीं की थी। थोड़ी देर बाद ध्रुव बोला, ठीक है छलावा, तो मैं चलता हूँ, आगे जैसा भी हो मुझे इन्फॉर्म करना, क्योंकि मुझे लगता है अब तक उस इंसान को ये खबर मिल गई होगी कि उसके पुतले को खत्म कर दिया गया है, और हो ना हो वो तुम्हारे पास जरूर आ रहा होगा, और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे यहाँ देखे। छलावा बोला, ठीक है तुम जाओ। ध्रुव तुरंत वहां से निकला और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। लेकिन शायद ये लोग इस बात को समझ नहीं पाए कि कोई पहले से छलावा के घर के बाहर था, जो छलावा और ध्रुव की बातों को या तो सुन चुका था, और अगर नहीं भी सुना था तो कम से कम ध्रुव को वहां देख जरूर चुका था, और वो कोई और नहीं बल्कि चेरी थी। चेरी छलावा के घर के पास पहुंची थी कि उसने ध्रुव को वहां से निकलकर जाते हुए देखा और वो हैरान रह गई। कुछ देर तक जाते हुए ध्रुव को घूरने के बाद चेरी छलावा के घर की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर जाकर जबरदस्ती मुस्कुराती हुई बोली, क्या बात है, अब तक यही हो और मेहमान भी आए हुए थे। इतना कहकर चेरी उस पूरे घर को ध्यान से देखने लगी, जैसे उसकी नजर कुछ ढूंढ रही थी। छलावा बोला, तुम फिर से यहाँ? तुम कुछ देर पहले तो यहाँ से गई थी, फिर से यहाँ क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें? चेरी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, दरअसल मेरा कुछ रह गया था, मेरी रिंग थी शायद रह गई थी, मतलब कहीं भी गिर सकती है, मुझे लगा कि मैं यहाँ भी आई थी तो यहाँ भी देखूं।
वैसे तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था? मैंने किसी को जाते हुए देखा, कौन था, कौन आया था? छलावा समझ गया चेरी ने ध्रुव को देख लिया है लेकिन बातें बना रही है। छलावा सपाट लहजे में बोला, ध्रुव था। चेरी बोली, अच्छा ध्रुव आया था, वैसे तुम लोगों के बीच सब कुछ ठीक हो गया? मतलब इस वक्त ध्रुव का तुम्हारे घर आना कोई स्पेशल काम था? छलावा का मन कर रहा था कि वो इसी वक्त चेरी से सारी बातें क्लियर कर ले। उसके अंदर इतना गुस्सा भर रहा था लेकिन उसने जबरदस्ती अपने आप को कंट्रोल में किया और बोला, नहीं कोई काम नहीं था, बल्कि वो मुझसे उस आदमी के बारे में पूछने आया था जिसे सुमेर ने मुझे कैद करने के लिए कहा था। शायद ध्रुव को पता चल गया होगा कि उस आदमी को मैंने कैद किया था, तो बस उसी के बारे में बात करने आया था, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिला तो चला गया। वैसे तुम्हारा कोई सामान नहीं है, तुम चाहो तो देख सकती हो। इतना कहकर छलावा अपने मन में बोला, मुझे बहुत अच्छे से पता है चेरी तुम कौन सा सामान ढूंढने आई हो। तुम उस थैले को ढूंढने आई हो लेकिन अफसोस कि वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। चेरी घर के अंदर आई और आसपास ध्यान से देखने लगी लेकिन वाकई में उसे वो थैला कहीं नहीं मिला। चेरी ने छलावा की तरफ घूर कर देखा और मन में बोली, मेरा शक बिल्कुल सही था, तुम लोगों को उसके बारे में पता चल चुका था और तुमने उस बुगाटी को नष्ट कर दिया है और ध्रुव भी इसलिए आया था। मतलब वो ध्रुव अब मेरे किए कराए पर पानी फेरने की तैयारी में है? लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी छलावा, ध्रुव सोच नहीं सकता, वो जितनी तंत्रों को काटेगा उतना नया तंत्र बनाने के काबिल हूँ मैं। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक कि तुम्हारी सारी शक्तियां मैं हासिल नहीं कर लेती, क्योंकि उन शक्तियों पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। तुम लोगों की जान बचाने के लिए मैं भूखी प्यासी जंगल में भटकने निकली थी जहां मैं बेहोश हो गई, उस बात का फायदा तुम्हें मिला, उन सब ने अपनी शक्तियां तुम्हें दे दी, लेकिन अब मैं वो तमाम शक्तियां पा कर रहूंगी। मैं इस दुनिया के लिए नई बंजारन बनकर रहूंगी। मैं एपिसोड 449 इंतजार है। चेरी ध्रुव और छलावा के मिलने की बात जल्द से जल्द सुमेर को बताना चाहती थी ताकि सुमेर के साथ मिलकर वो फिर से कोई नई प्लानिंग कर सके इन दोनों को दूर रखने के लिए, तब तक जब तक कि चेरी एक बार फिर अपना काला जादू छलावा के ऊपर नहीं कर लेती। छलावा ने जब चेरी को उस तरीके से खड़े हुए सोचते देखा तो बोला, क्या हुआ चेरी, तुम क्या सोच रही हो, कुछ बात है क्या? क्या तुम मुझसे कोई बात करने आई हो, अपने किसी सामान को ढूंढने आई हो? कहीं तुम फिर से सुमेर की कोई खबर लेकर तो नहीं आई हो? मेरा मतलब है सुमेर नाराज है या उस आदमी को ढूंढना है, इस तरह की कोई बात फिर से करने आई हो क्या? चेरी इनकार करती हुई बोली, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में अपना ही कोई सामान ढूंढने आई थी जो मुझे नहीं मिला। छलावा बोला, हो सकता है वो कहीं और गिर गया हो, कल दिन में देखना। वैसे तो अगर महंगी अंगूठी होगी तो मिलनी मुश्किल है क्योंकि कोई भी उठा सकता है, लेकिन फिर भी एक बार जाकर देखो, कहीं तुमने अपने सामानों में ही कहीं रख दिया हो। रात बहुत हो गई है, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चेरी बोली, नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन छलावा नहीं माना, उसने कहा, नहीं मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, हवेली वैसे भी दूर है, तो आओ तुम, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। चेरी ने हाँ में सिर हिलाया और छलावा उसे लेकर निकल गया। रास्ते भर दोनों बिल्कुल ही खामोश रहे, जैसे दोनों एक दूसरे को जानते ही ना हो और उनके बीच करने को कोई बात नहीं हुई। लेकिन उन दोनों के मन में बहुत सी बातें चल रही थी। छलावा को तो ऐसा लग रहा था जैसे वो भीतर ही भीतर टूट रहा है, ऊपर से वो मजबूत बना हुआ था चेरी के सामने, लेकिन अगर उसे एक पल भी अकेले मिल जाता तो शायद वो बिखर जाता। ये सोच सोच कर कि उसकी खुद की बहन ने ऐसा किया जिसके बारे में जानता भी नहीं था, वो खुद उसकी जिंदगी में आई, उसने सब कुछ एहसास करवाया, एक परिवार होने का एहसास करवाया, उसके बाद उसके साथ ऐसा सब कुछ कर रहे थे, ये बर्दाश्त करना छलावा के लिए बहुत मुश्किल था। दूर से ही हवेली दिखने लगी थी। चेरी ने कहा, अगर तुम चाहो तो यहाँ से लौट सकते हो, मैं चली जाऊंगी, बस आई गए। छलावा बोला, नहीं मैं तुम्हें हवेली के गेट तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं लौट जाऊंगा। वैसे तुम बाकी सबसे मिली? चेरी ने कहा, बाकी सबसे मतलब, माँ तो अपनी शक्तियों को जगाने में व्यस्त है, वो तो किसी से नहीं मिल रही, बल्कि वो इस वक्त कहाँ है सुमेर ने अभी तो मुझे बताया भी नहीं है। छलावा बोला, मैं माई की बात कर रहा हूँ। चेरी ने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं, सुमेर ने कहा है अभी किसी से मिलने का वक्त नहीं आया है, जब आएगा तब वो खुद मुझे सबसे मिलवा देगा, सिर्फ मुझे नहीं हम दोनों को। लेकिन उससे पहले कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, सुमेर उस आदमी को ढूंढना चाहता है, सुमेर का कहना है कि वो भी मिल जाए तो बहुत सी चीजें बहुत आसानी से की जा सकती हैं, तो तुम थोड़ा ध्यान रखना अगर पॉसिबल हो तो। छलावा बोला, ठीक है तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। आज छलावा बिल्कुल ही सामान्य तरीके से बात कर रहा था,
जैसा चेरी चाहती थी कि छलावा ने कोई सवाल, कोई शक, कुछ नहीं दिखाया, जिससे चेरी के मन में और किसी तरीके की बात आती या वो छलावा के ऊपर फिर से कोई तंत्र करने के लिए बौखलाती। छलावा ये दिखाना चाहता था कि अभी भी वो चेरी के काबू में ही है, पूरी तरीके से और कुछ समझ नहीं पा रहा है। दोनों ही सच्चाई जान चुके थे, लेकिन एक दूसरे के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे जैसे दोनों ही अनजान है। छलावा ने चेरी को हवेली के गेट के बाहर छोड़ा और लौट गया। वापस आने के बाद छलावा जमीन पर धम से बैठ गया और बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। छलावा को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ये वो छलावा है जिसने इतने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, जो अपनी शक्ति के बदौलत कुछ भी करने की काबिलियत रखता है। वो आज एक बच्चे की तरह रो रहा है, असहाय सा, जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, और जो है वो उसके अपने हैं, और वही अपने उसका बुरा करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, ये बात छलावा तक नहीं जानता था। और सबसे ज्यादा उसको यही सवाल खाया जा रहा था कि आखिर चेरी उसके साथ ऐसा करना क्या चाहती है, ऐसा करके चेरी को क्या मिल जाएगा। छलावा नहीं जानता था कि चेरी छलावा को ही खत्म करने के इरादे से आई है। अब उसे जल्द से जल्द ध्रुव को बताना था कि उसका शक सही था, ये सब कुछ चेरी ने ही किया है, और जैसा कि ध्रुव ने कहा था आएगी, वो आज आई थी, क्योंकि ध्रुव आगे की प्लानिंग बताने वाला था कि कैसे चेरी को मजबूर किया जा सकता था उसके तंत्र को पूरी तरीके से मिटाने के लिए। छलावा से अब सुबह तक का इंतजार नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये रात एक रात नहीं बल्कि कई रातों में तब्दील हो चुकी है। छलावा का एक बार को दिल किया कि उसी वक्त वो ध्रुव के पास चला जाए, लेकिन फिर उसने कहा, नहीं नहीं छलावा, ये ठीक नहीं है। आज पूरा दिन ध्रुव तुम्हारी वजह से परेशान रहा है। मन से या बेमन से तुमने उन लोगों के लिए बहुत मुसीबतें खड़ी की, उसके बाद इस तरीके से उन लोगों पर आश्रित हो जाना भी अच्छा नहीं लगता। कल सुबह मिलकर ये सारी बातें करूंगा, तब तक उसे भी थोड़ा वक्त मिल जाएगा सोचने के लिए। एक तरफ जहाँ छलावा सब कुछ समझ चुका था, ध्रुव से मिलने के लिए बेचैन था, वहीं दूसरी तरफ जब ध्रुव घर पहुंचा तो उसने देखा सब गुस्से में उसे घूर रहे हैं। जुल्मी और सजनी अब तक वहीं थे और वो दोनों भी ध्रुव को नाराजगी से देख रहे थे। ध्रुव उन सबको बारी बारी से देखता हुआ बोला, क्या हो गया, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं कोई चोरी करके भागा हुआ चोर हूँ। अनन्या बोली, तुम बता सकते हो तुम कहाँ थे पूरा दिन। ध्रुव बोला, वो मैं किसी काम से गया था। विकी बोला, क्या हम ये जान सकते हैं कि वो दुर्लभ काम कौन सा था जिसके बारे में हमें अगर तुम बता देते तो तुम्हारा काम अधूरा रह जाता, या कोई गुप्त काम था जो तुम गुप्त तरीके से करने गए थे। विकी की बात खत्म हुई, ध्रुव कुछ बोलने को ही हुआ कि जुल्मी ने उसे हाथ से रोकते हुए कहा, तुम चुप रहो, तुम्हारे बोलने का समय नहीं आया है, और विकी तुम ये गुप्त गुप्त क्या कर रहे हो, जैसे ये कोई गुप्त रो। इतना कहकर जुल्मी एकदम से चुप हुआ और अपने आसपास खड़ी लड़कियों को देखता हुआ बोला, हमारा मतलब है कि सही कह रहा है विकी, हम भी जान सकते थे कि तुम कौन से काम के लिए जा रहे हो। अच्छा भला माहौल था सुबह, सबको बिगाड़ कर तुम चले गए, उसके बाद तुम्हारा कोई पता नहीं है। तुमको पता भी है कि हम लोग कितना परेशान है तुम्हारे लिए, तुम्हारा कोई अता पता नहीं है। जुल्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए सजनी बोली, हाँ ध्रुव भैया, तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो। एक बात बताओ, ये तुम हमेशा ऐसे गायब क्यों हो जाते हो, भाग क्यों जाते हो। अरे बताकर जाओगे तो क्या कोई तुमको बांध लेगा क्या। उन सब की बातें सुनते हुए आखिर में ध्रुव ने गहरी सांस ली और जाकर तखत पर भंवरी देवी के बगल में बैठ गया। उसको इस तरह आराम से बैठता देख तारा बोली, आराम से क्या बैठ गए हो, सब तुमसे सवाल पूछ रहे हैं और तुम बैठ गए हो, तुमको जवाब देना भी जरूरी नहीं लगता। ध्रुव ने कहा, अभी तुम बाकी हो, फिर क्या पता भंवरी देवी भी कुछ बोले, तो तुम लोग भी सब एक एक करके अपनी सारी बातें कर लो, मैं उसके बाद बोलूंगा एक साथ। अब हर बार एक एक करके इंटरव्यू लेने से तो अच्छा है ना कि सारे जजेस अपने सवाल एक साथ पूछ ले, उसके बाद मैं एक साथ ही सबके जवाब दे दूं, ताकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल सके। ध्रुव की बात पर तारा बोली, मुझे कुछ नहीं पूछना, इन लोगों ने जो पूछा उसका जवाब दो, कहाँ थे तुम, मेरा भी वही सवाल है, और भंवरी देवी को भी कुछ नहीं पूछना, वो भी यही जानना चाहती है कि कहाँ थे तुम। तुम्हें पता है वो भी कितना परेशान हुई है पूरे दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारा कोई अता पता नहीं और तुम फोन लेकर भी नहीं गए। उन लोगों की बात खत्म होने पर ध्रुव बोला, मैं तुम लोगों के सर्कस से तंग आकर चला गया था, मैंने सोचा मैं घर छोड़कर चला जाऊं, और मैं चला भी गया था, मैं वापस नहीं आना चाहता था, मैं तुम लोगों से इतना परेशान हो गया हूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से चला जाऊंगा तो अच्छा नहीं लगता, साथ में कुछ कपड़े ले लेता हूं, जहां जाऊंगा कम से कम कपड़ों की तो जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं कपड़े लेने आया हूं, मैं तो पाली से बहुत आगे चला गया था। ध्रुव की बात पर वो सब एक दूसरे का मुंह हैरानी से देखने लगे। अनन्या रुवासी होकर बोली, तुम सच कह रहे हो, तुम घर छोड़कर चले गए थे और सिर्फ कपड़े लेने के लिए वापस आए हो, हमने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि तुम हमें छोड़कर जाने का सोचने लगे, क्या यही था तुम्हारा प्यार, यही थी तुम्हारी दोस्ती। इतना कहकर अनन्या सिसकने लगी।
विक्की आगे बढ़ा और उसने ध्रुव का कॉलर पकड़ा और बोला, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई घर छोड़कर जाने की? और अगर गया तो गया, कपड़े लेने के लिए क्यों वापस आया? तेरे सारे कपड़े मुझे भी फिट आते हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, मैं यूज कर लेता। ध्रुव ताली बजाता हुआ बोला, वाह वाह दोस्ती वाह, मैं घर छोड़कर गया, इस आदमी को उसकी फिक्र नहीं है। मैं अपने कपड़े क्यों लेने आया, उसकी इसको चिंता है, ताकि मेरे ब्रांडेड कपड़े ये यूज कर सके। ठीक है तो मैं बिना कपड़ों के ही जाता हूँ। जुल्मी बोला, लेकिन कपड़े तो तुम पहने हुए हो, बिना कपड़ों के कहाँ जा रहे हो, लंगोट बांध कर जाओगे क्या? उन लोगों की बकवास सुनकर तारा बोली, चुप रहो यार तुम लोग, ध्रुव मजाक कर रहा है, वो कहीं घर छोड़कर नहीं गया था। ध्रुव तुम भी क्या इन लोगों के सुर में सुर मिलाने लगे हो, मैं देख रही हूँ आजकल तुम भी ना इन लोगों की तरह ही कभी कभी बातें करने लगते हो। कम से कम तुम तो इस तरीके की बातें मत करो, पहले ही बहुत है हमारे लिए ये लोग। ध्रुव बोला, मैं तुम लोगों को बस दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुम लोगों की यही हालत रही तो मैं भी तुम लोगों में से एक हो जाऊंगा। संगति का असर पड़ता है इंसान पर, चाहे फिर वो कोई भी हो, कितना पानी में भी क्यों ना हो। ये सुनकर अनन्या अपने आंसू पोंछती हुई बोली, मतलब तुम सच में मजाक कर रहे थे? मुझे तो लगा सच में तुम मुझे, मेरा मतलब है हम सबको छोड़कर जाने की तैयारी में थे। आई प्रॉमिस अब हम कभी ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे तुम इतने परेशान हो जाओ, लेकिन प्लीज कभी हमें छोड़कर जाने की बात मत सोचना। ध्रुव आगे बढ़कर अनन्या की आंखों को पोंछता हुआ बोला, अनन्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों को छोड़कर जाने की बात सोच सकता हूँ? मैं शरीर हूँ, तुम लोग मेरी सांसें हो, तुम लोगों को छोड़कर जाकर मैं कहीं भी जिंदा नहीं रह सकता। मैं छलावा के घर गया था। छलावा का नाम सुनकर सब हैरान रह गए। विक्की ने कहा, छलावा के घर गया था, लेकिन क्यों? वो तो खुद सुबह सुबह आकर गया था ना, मतलब क्या तेरे मन में उसकी दोस्ती की लहर इतनी तेज हो गई है कि वो हमारे घर आएगा और उसके पीछे तू उसके घर जाएगा? विक्की की बात सुनकर ध्रुव चिढ़ता हुआ बोला, बंद कर ये बकवास, जब देखो बच्चों की तरह हरकतें, तुझे हो क्या गया है? मानता हूँ छलावा की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं जो कि उसने खुद से नहीं की है, ये बात क्लियर हो चुका है और मैं उसी का पक्का सबूत अपनी आंखों से देखने गया था। मैंने छलावा को जिस थैले के लिए कहा था, मैं उसी को ढूंढने में उसकी मदद करने गया था। तो प्लीज विक्की, अब तू अपने ऊपर नेगेटिविटी हावी कर रहा है, किसी के लिए इस तरह से इतना गलत सोचना ठीक नहीं होता, वो हमारे खुद के लिए गलत हो जाता है। छलावा को देखकर एक बात समझ में नहीं आती क्या, कि कब यहाँ किसके साथ किस तरह की चीजें हो जाए तो पता भी नहीं चलेगा। अपने ऊपर नेगेटिविटी को हावी मत होने दो। विक्की बोला, मैं समझता हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ऐसा ना हो। अब ये बता, तू अगर वहाँ गया था तो क्या मिला वहाँ तुझे, वो थैला मिल गया? ध्रुव ने कहा, वो थैला भी मिला और उस थैले में वो सामान भी, जिसके माध्यम से छलावा के ऊपर नजर रखी जा रही थी, उसके आसपास नेगेटिविटी फैलाई जा रही थी। वो चीज ऐसी थी जो हमारी पद्धति में कहीं भी नहीं है, उस चीज का इस्तेमाल करना। कहने का मतलब ये है कि छलावा के ऊपर जिसने भी ये किया, उसने बहुत सोच समझ कर किया, ताकि उसके बारे में जल्दी से किसी को एहसास ना हो। छलावा के ऊपर बुगाटी डॉल की मदद से काला जादू किया गया। ध्रुव की बात पर विक्की बोला, बुगाटी? बुगाटी क्या होता है? ध्रुव बोला, ये एक तरह के काले जादू की ही पद्धति है, हमारे देश में इस्तेमाल नहीं की जाती। तारा बोली, इसका इस्तेमाल अफ्रीका में होता है। अफ्रीका के जंगलों में कुछ ऐसे पुराने कबीले हैं जो अपने आप को मानव सभ्यता से अलग मानते हैं, और वो अपने ही नियम कानून और अपने ही देवी देवताओं को सर्वोपरि मानते हैं। उनकी सारी चीजें नॉर्मल इंसानों से अलग है, जादू टोने, देवता, पूजा पाठ, हर चीज। बुगाटी डॉल की प्रथा भी उन्हीं की है, बल्कि ये बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ जाता है कि किसी के ऊपर किया जाए तो वो अपने हाथों से अपनी जान तक ले सकता है। तारा की बात पर विक्की ने सवालिया नजरों से ध्रुव की तरफ देखा। ध्रुव हाँ में सिर हिलाता हुआ बोला, तारा बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो हमें मिल गया और हमने उसे नष्ट भी कर दिया। अब बस इंतजार है इस बात का कि क्या ये वाकई में चेरी ने ही किया है या कोई और। एपिसोड 450, छलावा ने बदला रूप। ध्रुव ने जब बुगाटी डॉल के बारे में अपने दोस्तों को बताया तो वो सब हैरान थे। ध्रुव ने कहा कि बस इंतजार है इस बात के कंफर्म होने का कि वाकई में वो चेरी है या कोई और। ध्रुव के इतना कहते ही दरवाजे पर छलावा की आवाज आई, वो चेरी ही है ध्रुव, इस बात में अब कोई शक नहीं है, न इंतजार करने की जरूरत है। सबने जब दरवाजे की तरफ देखा तो उन्होंने पाया कि छलावा का पूरा चेहरा सूजा सूजा सा लग रहा है, उसकी आंखें लाल लाल लग रही हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी बहुत ज्यादा रोकर आया है, लेकिन जबरदस्ती अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा है। छलावा के चेहरे पर किसी तरीके के कोई एक्सप्रेशन नहीं थे सिवाय उसकी आंखों में तकलीफ के।
ध्रुव आगे बढ़ा और उसको संभालता हुआ बोला, छलावा अंदर आ, इतनी रात गए यहाँ और ये क्या हालत बना रखी है तूने अपनी। तू ठीक तो है तारा, इसके लिए पानी लेकर आना। तारा तुरंत अंदर गई और छलावा के लिए पानी लेकर आई और उसे पानी देकर बोली, पानी पियो, पहले रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद कुछ बात करना। कुछ खाओगे? छलावा ने इनकार में सिर हिला दिया और ग्लास लेकर एक ही सांस में उसे खाली करता हुआ बोला, मैं ठीक हूँ, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव बोला, अच्छा ठीक है, तू आराम से बैठ और बता क्या हो गया और तूने अपनी ये हालत क्यों बना रखी है। छलावा ने कहा, वो चेरी ही थी जिसने मेरे ऊपर अशुद्ध तंत्र का प्रयोग किया था और वो पुतला जिसको तुमने जलाया उसे चेरी ढूंढने आई थी, बल्कि जब तुम मेरे घर से निकले उस वक्त भी वो वहीं पर थी। उसने तुम्हें देख लिया था मेरे घर से निकलते हुए, उसने मुझे पूछा तो मैंने बता दिया कि तुम पूरन जी को ढूंढने आए थे, उनके बारे में जानकारी लेने आए थे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि उसको शक हो गया है, वो समझ गई है कि उसके उस पुतले को नष्ट करने में तुम्हारा हाथ हो सकता है और कहीं ना कहीं तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो। मैं सुबह ही तुमसे ये बात करना चाहता था, मैंने बहुत कोशिश की अपने आप को रोकने की लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, और सच कहूँ तो मुझे अकेलेपन से डर लग रहा था इसलिए मैं यहाँ आ गया तुम लोगों के बीच। अगर तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो क्या मैं आज की रात रह सकता हूँ यहाँ? मैं अकेले नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा मुझे खाने को दौड़ रहा है। ध्रुव बोला, हाँ बिल्कुल, तू परेशान मत हो, तू आराम से रह सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्यों विकी? इतना कहकर ध्रुव ने विकी की तरफ देखा तो उसने पाया विकी नाराजगी से उसको घूर रहा था। ध्रुव ने आंखों के इशारे से विकी को समझाने की कोशिश की। विकी ऊपरी मन से बोला, हाँ ठीक है, इतने सारे लोग रह रहे हैं यहाँ, ये भी रह ले। ध्रुव छलावा के कंधे को थपथपाते हुए बोला, तो बस अब तू सुकून से यहाँ रह और टेंशन मत ले। देख चेरी के बारे में हम सबको अंदाजा था ही, बस एक श्योरिटी की जरूरत थी जो हो चुकी है, अब हमें तुझे चेरी के इस जाल से निकालना है। छलावा ने कहा, लेकिन ध्रुव मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर सकते हैं, चेरी जितनी चालाक है उसने जितनी चालाकी से मुझ पर ये जादू टोने किए और जिस तरीके से वो सारी चीजें मालूम भी करती जा रही है और उसे भी पता चल चुका है कि तुम शायद मेरी मदद कर रहे हो, अब तो किसी भी हालत में वो अपना किया वापस नहीं लेगी और ना ही ऐसा कोई रास्ता है जिसके माध्यम से उसे ऐसा एहसास दिलाया जा सके कि उसको ये जादू वापस लेना चाहिए। ध्रुव ने कहा, ऐसा तुझे लगता है मुझे नहीं, मेरे हिसाब से तो चेरी ने मुझे वहां देखा, अगर उसको शक हो गया है ये तो और भी अच्छी बात है, कहने का मतलब ये है कि इस बात को हम कमजोरी की तरह नहीं फायदे की तरह देखते हैं। और छलावा एक बात, हमें चेरी को खुलकर बोलना होगा कि तेरे ऊपर जादू टोना हुआ है और उसे खत्म करना ही होगा, ये एक तरीका है, जब खुलकर होगी बात उसके बाद ही चेरी अपना जादू वापस लेगी। छलावा हैरानी से ध्रुव की तरफ देख रहा था, जैसे ध्रुव की बात उसे समझ नहीं आ रही थी। छलावा ने बारी बारी से तारा, अनन्या, विक्की सबकी तरफ देखा लेकिन उनमें से किसी को भी ध्रुव की बात समझ नहीं आ रही थी। जुल्मी धीरे से बोला, विक्की हमको लगता है तुम बिल्कुल सही कह रहे थे, इसके ऊपर उम्र का असर हो रहा है, बताओ तो जादू टोना की है उसको सब कुछ सच सच बता देगा और वो वापस ले लेगी। सही बात है, ये उम्र का ही असर है, सोच नहीं पा रहा है अच्छे से, लेकिन दिखने में तो बड़ा जवान लग रहा है। अच्छा हाँ, पिछले जन्म का उम्र वाला असर हुआ होगा, नहीं? विकी ने घूर कर जुल्मी की तरफ देखा और बोला, अपना मुंह बंद रखो, जब देखो बकवास करवा लो। उसके बाद ध्रुव से बोला, क्या कहना चाहता है तू, किसी के समझ नहीं आ रहा है। भंवरी देवी आपकी समझ में आ रहा है क्या, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? भंवरी देवी बोली, ध्रुव ये कहना चाहता है कि अगर उस लड़की को सब पता चल चुका है तो अब झूठ बोलकर उसे कुछ नहीं करवाया जा सकता, जितना झूठ बोलोगे चीजें उतनी उलझती जाएंगी और मामला हाथ से निकलता जाएगा, इसीलिए सच बोलकर ही उसे तैयार करना पड़ेगा, लेकिन कैसे ये सोचने की बात है। ध्रुव ने कहा, बिल्कुल सही, और इसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। विकी बोला, क्या प्लान है? ध्रुव छलावा की तरफ देखता हुआ बोला, छलावा को सबसे पहले चेरी के दिमाग को पढ़ना होगा, आखिर चेरी ने ऐसा किया है तो क्यों किया है, जो वजह होगी वही वजह हमारे लिए मददगार साबित होगी, हम अंधेरे में तीर नहीं चला सकते हर बार, इसीलिए पहले मालूम कर उसने ऐसा क्यों किया। छलावा बोला, लेकिन मैं कैसे ध्रुव, वो मेरी बहन है, मैं उसके दिमाग में कैसे? नहीं नहीं, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश नहीं कर सकता। ध्रुव ने कहा, तू भी उसका भाई है, लेकिन उसने तेरे साथ क्या किया? देख छलावा, संसार का एक ही नियम है,
जैसे को तैसा। मैं ये नहीं कहता कि आंख के बदले आंख ले ली जाए जिससे पूरी दुनिया अंधी हो जाए, लेकिन चोर के घर चोरी करना कोई गलत काम नहीं है। जो आपको धोखे से आपकी पीठ पर वार करने की तैयारी में हो, उसके साथ धोखा, छल, माया कभी गलत नहीं होता और अक्सर देखने को मिलता है। जब इंसान के ऊपर इस तरीके से धोखे का वार होता है ना, जो इंसान की रीढ़ की हड्डी तोड़ देता है, वो वार करने वाला उसका अपना ही होता है, क्योंकि अपनों को ही उसकी सारी ताकत, सारी कमजोरी, सारी चीजें पता होती हैं। इसीलिए समय समय पर जवाब देते रहना पड़ता है, ताकि सामने वाले को ये एहसास हो सके कि धोखेबाजी कभी भी किसी की काबिलियत नहीं होती है जिसके दम पर वो किसी का बुरा करता जाए और सामने वाला बस चुपचाप उसे सहता जाए। चेरी तेरी बहन है जन्म से, लेकिन तुम दोनों की परवरिश, तुम दोनों की सोच और बाकी की तमाम चीजें बिल्कुल अलग रही हैं। सिर्फ जन्म से रिश्ता हो जाने से कोई अपना नहीं होता, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। जिसको तूने नहीं समझा था और आज तू इस परिस्थिति में खड़ा है, ये उसी का अंजाम है। अगर अब भी तुझे ये चीज नहीं समझ में आएगी तो बात हाथ से निकल जाएगी और फिर मैं भी तेरे लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक बार फिर हम सब तेरे साथ खड़े हैं छलावा, और उम्मीद करते हैं कि तू भी समझदारी से कदम उठाएगा, ना कि बेईमानी के रिश्तों में और उनकी भावनाओं में बहकर। छलावा ध्रुव की बात सुन रहा था और उन्हें समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अभी भी दुविधा में था। तारा आगे आई और उसने कहा, छलावा हम दोस्त हैं, बेशक तुम्हारी तरफ से कुछ चीजें हुई जिसकी वजह से ये दोस्ती अफेक्ट हो गई, खत्म ही हो गई, लेकिन इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी, तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन इस समय जो हमारी प्योर दोस्ती थी ना, बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के, एक दूसरे के लिए, आज उसी का नतीजा है कि इतना सब होने के बाद भी हम सब तुम्हारे साथ खड़े हैं। और जो बिना किसी शर्त के, बिना किसी कंडीशन के आपके साथ खड़ा होता है, वो आपका अपना होता है। तारा और ध्रुव की बातों से छलावा को अपने भीतर एक हिम्मत महसूस हो रही थी। वो मजबूती से बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। अगर यही एक रास्ता है तो मैं चेरी के दिमाग में झांक लूंगा, मैं जान लूंगा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है और क्या चाहती है। अब मैं उसके बहकावे में और नहीं आऊंगा, मुझे जितना गलत करना था वो मैंने कर दिया, अब और नहीं। ध्रुव बोला, ये हुई ना बात, एक काम कर, तू बहुत नर्वस है, तुझे थोड़ा सा रिलैक्स होने की जरूरत है, तू पहले अच्छे से नहा ले ठंडे पानी से, उसके बाद तुझे फ्रेशनेस महसूस होगी और फिर तू इस काम को कर, तू जा, हम इंतजार करते हैं। ध्रुव ने छलावा को अपने कुछ कपड़े दिए और छलावा नहाने के लिए चला गया। कुछ देर बाद जब वो नहाकर आया तो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। उसने देखा कि सब बाहरी बरामदे में बैठे हुए थे और छलावा का इंतजार कर रहे थे। ध्रुव बोला, कैसा लग रहा है तुझे? छलावा ने कहा, अब मैं ठीक हूँ और मैं तैयार भी हूँ। वो शांति से जाकर बैठ गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो चेरी तक पहुंचने की कोशिश करने लगा। काफी देर की कोशिश के बाद भी वो चेरी तक नहीं पहुंच पा रहा था। छलावा बोला, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं चेरी तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ। छलावा की बात पर विकी के मुंह से एकदम से निकला, कहीं तेरे सॉफ्टवेयर में कोई वायरस तो नहीं आ गया? मेरा मतलब है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, जैसे चेरी ने पहले से कुछ कर रखा हो, कुछ ऐसा कि तू उसके दिमाग तक नहीं पहुंच पाए, या कुछ और, या शक्तियां वाकई में कमजोर हो गई हैं? छलावा बोला, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। ध्रुव ने कहा, एक काम कर छलावा, तू मेरे दिमाग को पढ़ने की कोशिश कर, अगर तू मेरे दिमाग को पढ़ पाएगा तो इसका मतलब साफ है कि तेरी शक्तियां कमजोर नहीं हुई हैं। छलावा ने कोशिश की और कुछ ही देर में वो ध्रुव के दिमाग में था, जिससे साफ पता चलता था कि छलावा की शक्तियां तो बिल्कुल सही सलामत थी। तो क्या वजह हो सकती थी? ध्रुव बोला, एक काम कर, हवेली के भीतर मौजूद किसी दूसरे के दिमाग तक पहुंचने की कोशिश कर। छलावा ने फिर से कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात कि वो हवेली में किसी के दिमाग तक नहीं पहुंच पा रहा था। ध्रुव बोला, इसका साफ मतलब है कि सुमेर ने पूरी हवेली में सुरक्षा घेरा बना रखा है, तेरी दिमागी तरंगे हवेली के भीतर नहीं जा सकती, तू वहां किसी के दिमाग में नहीं घुस सकता है, कम से कम हवेली के बाहर रहकर तो बिल्कुल नहीं। अगर तुझे हवेली में किसी के दिमाग को पढ़ना है तो तुझे उसके भीतर जाना पड़ेगा, और बिना ये जाने कि चेरी किस लिए ऐसा कर रही है, हम कुछ कर भी नहीं सकते। इसका मतलब साफ है कि ये काम होना बेहद जरूरी है। छलावा बोला, तो अब क्या मुझे हवेली जाना पड़ेगा? लेकिन हवेली अगर मैं जाऊंगा तो मुझे किसी ने देख लिया तो चेरी को पता नहीं चलेगा क्या? और उसको शक नहीं हो जाएगा? वो तो पहले से ही शक कर रही है, हवेली जाकर ये करना मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। छलावा को इस तरह मायूस होता देख जुल्मी बोला, तू इतना मायूस क्यों हो रहा है? तू तो इच्छाधारी है, तू खुद चेरी बन जा और खुद मालूम कर ले चेरी क्या सोच रही है।
अच्छा हाँ, चेरी बनकर तो सिर्फ तेरा शरीर उसका होगा, रहेगा तो तू छलावा ही, ये तो हम सोचे ही नहीं। उसकी बात पर विक्की बोला, यार जुल्मी थोड़ी देर चुप रहा कर। ध्रुव बोला, नहीं विक्की, मजाक मजाक में ही सही, लेकिन जुल्मी बहुत सही बात बोलकर गया। जुल्मी विक्की को घूरता हुआ बोला, देखा हम मजाक में भी सही बात बोलते हैं। वैसे हम कौन सा सही बात बोले हैं ध्रुव, जरा हमको भी बताना। उसकी बात पर ध्रुव के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, यही कि छलावा कोई भी रूप ले सकता है अपनी इच्छा के अनुसार। विक्की बोला, हाँ तो इसका क्या कनेक्शन है इन सब चीजों से। ध्रुव ने कहा, छलावा हवेली के भीतर नहीं जा सकता क्योंकि चेरी को शक हो जाएगा। हवेली का कोई नौकर, ठकुराइन या खुद सुमेर तो जा सकता है, और कुछ नहीं तो कोई जीव जंतु तो जा ही सकता है, कुत्ते बिल्ली कौवा चमगादड़ खरगोश। ध्रुव की बात सबको समझ में आ गई थी कि ध्रुव क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और छलावा की आंखों में भी चमक दिख रही थी। छलावा ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जुल्मी बच्चों की तरह एक्साइटेड होता हुआ बोला, अच्छा मतलब छलावा इच्छाधारी की तरह रूप बदलेगा। बदलो बदलो छलावा भाई, हम आज तक किसी को रूप बदलते नहीं देखे हैं, जल्दी रूप बदलो, हमसे इंतजार नहीं हो रहा है। एक काम करो, तुम हिरण बन जाओ, हमारी सजनी का पसंदीदा पशु है हिरण। नहीं नहीं हिरण रहने दो, तुम तोता बन जाओ, हमको बहुत पसंद है तोता। जुल्मी की बातों से इस तनाव के माहौल में भी सबके चेहरे पर ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई, और ध्रुव बोला, जुल्मी छलावा किसी काम के लिए वेश बदलेगा, वो यहाँ पर चिड़ियाघर नहीं खोल रहा है, और ना ही तुम्हारे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं जिनको हंसाने के लिए अलग अलग जानवर का रूप लेगा। जब तुम छलावा को मामा बना दोगे ना, तब छलावा तुम्हारे बच्चों के लिए अलग अलग रूप में आएगा। ध्रुव की बात से जुल्मी सजनी की तरफ देखने लगा, जो कि शर्मा कर इधर उधर देख रही थी। ध्रुव बोला, चलो बहुत हो गई मस्ती मजाक, छलावा मुझे लगता है इस काम को अभी करना चाहिए, जितनी देर करेंगे टाइम उतनी ही तेजी से निकलता जाएगा, जितनी जल्दी ये चीजें मालूम चले उतनी आसानी से हम आगे सोच पाएंगे। छलावा बोला, ठीक है तो मैं कोई और नहीं सुमेर बन जाता हूँ, क्योंकि सुमेर को कहीं भी आने जाने से कोई नहीं रोक सकता।